Welcome students, welcome to online classes. Today is our fourth lecture of Amazing Science class 5th. Students, in our previous lecture we were reading about environmental pollution. Today we will solve exercise of unit 5, that is on page number 50. Filling the blanks, more than 10 billion people inhabit the earth, more than 6 billion people. 6 billion people se bhi zyada log earth pe rehte hain. ग्रीन प्लांट गिव आउट डैश गैस, कौन सी गैस देते हैं जिसे हम ह्यूमन और एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन यूज करते हैं? तो ग्रीन प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन गैस. विदाउट ट्रीज द डैश ड्राइज अप एंड क्रैक्स, दरख्तों के बगैर क्या चीज़ खुश्क हो जाएगी और उस पर क्रैक्स आ जाएंगे? तो वो चीज़ है सॉइल. जब सॉइल पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो उसमें से जो वाटर एक्स्ट्रा वाटर वो एवेपरेट होकर एयर में चला जाएगा, जिसकी वजह से खुश्क हो जाएगी वो और उस पर क्रैक्स आ जाएंगे. अनवांटेड लाउड साउंड कैन काज डैश पोल्यूशन, ऊंची आवाज़ें कौन सी आलूगी पैदा करती हैं? नॉइज़ पोल्यूशन. डैश फ्राम कार्स एंड लॉरीज कंटेन हार्मफुल केमिकल्स, कारों से गाड़ियों से निकलने वाले स्मोक में केमिकल्स होते हैं. स्मोक फ्राम कार्स एंड लॉरीज कंटेन हार्मफुल केमिकल्स. पार्ट एफ, पॉइजनस गैसेज एंड केमिकल्स मिक्स विद रेन एंड फॉल टू द ग्राउंड एज डैश रेन. पॉइजनस गैसेस और केमिकल्स होते हैं बच्चों एयर पोल्यूशन की वजह से, एयर में मौजूद होते हैं. जब बारिश होती है तो वो बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं. और कौन सी बारिश होती है? दैट इज कॉल्ड एसिड रेन. पार्ट जी इज द डैश लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती है, कौन सी लेयर रोकती है? तो वो लेयर है ओजोन. डैश गैस इन द एयर ट्रैप द हीट ऑफ द सन, कौन सी गैस सूरज की रोशनी को ट्रैप करती है, सूरज की हीट को ट्रैप करती है? दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. डर्टी वाटर फ्रॉम हाउसेज इज कॉल्ड, घरों से निकलने वाला गंदा पानी सीवेज कहलाता है. अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ क्या कहलाती हैं बच्चों? वीड्स कहलाती हैं. स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी बुक के ऊपर राइट करें, उन्हें याद भी करें. इसी के साथ स्टूडेंट आपने यूनिट 5 के एमसीक्यूज भी अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं. नंबर 1, मोर देन 10 बिलियन पीपल लिव ऑन द अर्थ, मोर देन 6 बिलियन पीपल लिव ऑन द अर्थ. नंबर 2, एयर पोल्यूशन इज मेकिंग द डैश लेयर ऑफ गैस थिनर इन सम प्लेसेस, हवा में हवा की आलूगी की वजह से उसमें केमिकल्स होते हैं और उसमें जो केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से निकलता है और एयर में मौजूद ओजोन लेयर के साथ मिलकर उसको पतला कर रहा है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल रेज हम अर्थ पर पहुंच रही हैं और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो वो कौन सी लेयर है वो पतली हो रही है? दैट इज़ ओजोन लेयर. नंबर 3, एनीथिंग विच हार्म द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द पोल्यूटेंट, वो चीज़ जो माहौल को ख़राब करती है वो पोल्यूटेंट कहलाती है, केमिकल कहलाती है, पोल्यूटेंट कहलाती है, सॉइल कहलाती है, तो बच्चों वो पोल्यूटेंट कहलाती है. फार्मर्स यूज केमिकल्स कॉल्ड टू गेट रेड ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, फिलिंग द ब्लैंक में हमने रीड किया है कि अनवांटेड प्लांट्स को क्या कहा जाता है? वीड कहा जाता है. तो वीड को ख़त्म करने के लिए जो स्प्रे किया जाता है केमिकल्स का उसको क्या कहा जाता है? वीड किलर्स. नंबर 5, पोल्यूटेंट विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इन टू हार्मलेस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बायोटेक्निकल बायोडिग्रेडेबल बायोगैस. तो वो पोल्यूटेंट जो ब्रोकन डाउन होते हैं बैक्टीरिया से उनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है. दो किस्म के हैं पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं. जो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहा जाता है और जो नहीं होते बैक्टीरिया से ब्रोकन डाउन और हार्मलेस नहीं होते उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहा जाता है. स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आपने अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं, काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए. फिलिंग द ब्लैंक्स बुक पर राइट करें और एमसीक्यूज आप अपनी नोटबुक पर राइट करें और इन्हें याद भी करें. अंडरस्टैंड? अपना ख्याल रखें. ओके, अल्लाह हाफिज़.